हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंद्र कुमार सिंह। ये थ्योरी ऑफ मशीन का 16th पार्ट है। लास्ट पार्ट में वो डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 231 तक, क्वेश्चन नंबर 232। एब्रीविएशन ऑफ पी आई बी पॉजिटिव इनफिनाइट वेरिएबल ड्राइव इसको कहते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि स्टेप पुली है, यहाँ पर एक स्टेप पुली है जो यहाँ पर ये ड्राइवर है, ड्रिवन पुली, और ये ड्रिवन पुली, ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली। यहाँ से यहाँ पावर ट्रांसमिट करना है तो बेल्ट ड्राइव के थ्रू हम पावर ट्रांसमिट करेंगे। पावर को अगर वैरी करना है, वैरी करना है, कभी पावर हमको ज़्यादा चाहिए यहाँ पर, कभी हमको पावर कम चाहिए, तो उस बेल्ट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लेके आएंगे, या फिर यहाँ शिफ्ट करके यहाँ लेके आएंगे। जिस तरह का पावर हमको चाहिए, वेरिएबल पावर, पावर वैरी कर रहा है, मोटर वही स्पीड से रन कर रहा है या जिस स्पीड से पहले रन कर रहा था, मोटर की स्पीड को बिना चेंज किए हुए आउटपुट शाफ्ट में हम पावर को अगर वैरी करवाएं, तो उसके लिए हम स्टेप पुली यूज़ करें या कोनिकल पुली यूज़ कर सकते हैं। हम कोनिकल पुली यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो उसमें बेल्ट को हम यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लेके आए तो स्पीड मेरा वैरी करेगा। तो जब भी ड्राइवर और ड्रिवन के बीच वेरिएबल बेल्ट ड्राइव हो, तो उसमें पॉजिटिव इन्फिनाइटली वेरिएबल ड्राइव को पीआईबी ड्राइव भी हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पॉजिटिवली इन्फिनाइटली वेरिएबल ड्राइव को पीआईबी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट। बेल्ट में जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है उसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता क्या है बेल्ट ड्राइव के केस में। ये मान लीजिए आपका पुली है, पुली अगर लोअर स्पीड में रन कर रहा है और ये बेल्ट है, इसके ऊपर बेल्ट ट्रैप किया हुआ है। पुली अगर लोअर स्पीड में रन कर रहा है तो उस वक्त सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्मॉल होगा, दैट मीन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होगा, वो टेंशन जो होगा, वो टेंशन भी बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर ये हायर स्पीड में रन कर रहा है, उस वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसी का जो कंपोनेंट है, उसके वजह से ही सेंट्रीफ्यूगल टेंशन डेवलप होता है, वो ज़्यादा होगा। तो वो कितना होगा, उसको वो पावर पे इफेक्ट पहुंचाएगा क्या नहीं पहुंचाएगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कि अगर एट लोअर स्पीड में स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड कम है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज वेरी स्मॉल। बट एट हायर बेल्ट स्पीड, बेल्ट स्पीड अगर बहुत ज़्यादा हो, 10 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा हो, तो उस वक्त आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसिडर करना पड़ता है। और जब आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आप कंसिडर करते हो, तो उस वक्त वो पावर को कैसे अफेक्ट पहुंचाता है, पावर कितना ज़्यादा ट्रांसमिट होगा या सेम पावर ट्रांसमिट होगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेल्ट का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू, ये एक बेल्ट का एलिमेंट है। पी क्यू पोर्शन कंसिडर करते हैं जो कि सेंटर के साथ डी थीटा एंगल बनाता है। इसका रेडियस, इस पुली का रेडियस स्मॉल आर है। एम बी द मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ इन केजी। मास एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, जितना भी लेंथ है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी डिस्टेंस है इसका लेंथ, अगर मान लीजिए डी एक्स है, या फिर यहाँ पर लेंथ जो है वो आर है इंटू डी थीटा, तो मास इंटू आर डी थीटा मल्टीप्लाई कीजिए, दैट मीन टोटल मास, यहाँ से यहाँ तक का टोटल मास आपको पता चल जाएगा। तो ये मास हमको पता चल जाएगा। उसके बाद है क्या, भी विद द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड भी है। आर विद द रेडियस है, और जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन यहाँ डेवलप हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को टी सी बोला गया। तो लेंथ ऑफ द बेल्ट पी क्यू, पी क्यू का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। तो मास कितना हो जाएगा, तो मास होगा एम इंटू आर डी थीटा, दिस इज द मास। नाउ अगर हम बात करें फोर्स, कितना फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो यहाँ पर डेवलप होगा वो मान लीजिए एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा। और इस पी पे कितना आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना होगा, वो टी सी हम कंसिडर कर रहे हैं। पी पे और क्यू पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट ड्रॉ किया, टी सी का डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड टी सी है। ये वर्टिकल के साथ एंगल डी थीटा बाई टू
बना रहा है, क्योंकि ये एंगल डी थीटा है, तो ये जो एंगल है वो डी थीटा बाई टू हो गया, ये एंगल भी आपका डी थीटा बाई टू हो गया। तो अगर ये एंगल डी थीटा बाई टू है तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, वो टी सी, ये थीटा बाई टू है तो ये इधर हो जाएगा टी सी साइन थीटा बाई टू, और एक टी सी, इस टी सी का भी कंपोनेंट इतना ही होगा इसी इस डायरेक्शन में, टी सी साइन थीटा बाई टू, मतलब टू टी सी साइन थीटा बाई टू। को बैलेंस कौन कर रहा है? को बैलेंस कर रहा है एफ सी। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ सी यहाँ पर देख सकते हैं, टी सी साइन थीटा बाई टू, टी सी साइन थीटा बाई टू को बैलेंस कर रहा है एफ सी। एफ सी क्या है? एफ सी भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो मास की जगह मास हम उस एलिमेंट पी क्यू का जो मास निकाले वो एम आर डी थीटा वी स्क्वायर बाई आर किए, तो यहाँ से मिला एम डी थीटा वी स्क्वायर, ए आर आर कैंसिल एम थीटा वी स्क्वायर। तो ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस दिस बैलेंस इज दिस। अब यहाँ पर क्या है कि साइन थीटा बाई टू, थीटा बाई टू पहले से थीटा डी थीटा बहुत स्मॉल है, तो डी थीटा बाई टू और स्मॉल हो गया, तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू डी थीटा बाई टू। तो साइन थीटा जहाँ भी है वहाँ थीटा बाई टू रखेंगे, यहाँ भी डी थीटा बाई टू रखेंगे, तो या और यहाँ से जो कंडीशन हमको देगा वो कंडीशन ये बोलता है, टू टी सी डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू एम डी थीटा वी स्क्वायर। तो यहाँ से टी सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, टी सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। टी सी तो हमको मिला जैसे ये पुल्ली था, तो टी सी इस डायरेक्शन में टी सी जो मिला वो एम वी स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में टी सी मिला वो भी एम वी स्क्वायर। हम ये जानते हैं कि इस डायरेक्शन में जो टेंशन होता है वो होता है टी वन, टेंशन इन टाइट साइड, और इस में इधर इधर टी टू, या फिर इधर टी टू इधर टी वन, वो डिपेंड करता है इसका रोटेशन कैसा है। तो इधर इस डायरेक्शन में टोटल टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा? तो टी वन प्लस दिस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो भी होगा वो, इस डायरेक्शन में टोटल टेंशन कितना हो जाएगा? टी टू प्लस दिस। तो टी टी वन मतलब टोटल टेंशन, टोटल टेंशन को टी टी वन भी बोला गया, या फिर टी आप सिंपली बोलिए, तो टी बोलिएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा, टी टी वन टेंशन इन द टाइट साइड, टोटल टेंशन इन द टाइट साइड, और टोटल टेंशन इन द स्लैक साइड, जो भी टोटल टेंशन इस डायरेक्शन में होगा वो टी टू प्लस टी सी, और इधर जो होगा वो टी वन प्लस टी सी। तो पावर हम क्या जानते हैं? पावर इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू वी, ये हम जानते हैं। तो टी टी वन कितना है? तो टी टी वन इज इक्वल टी वन प्लस सी, और टी टी टू कितना है? टी टू प्लस टी सी। इसको पुट आउट करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा टी वन माइनस टी टू इंटू वी। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पावर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, दस वी कैन सी दैट द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हैज नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिटेड। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है पावर ट्रांसमिटेड पे डिपेंड नहीं करता है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं, 2.3 एल एन टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू म्यू इंटू थीटा, म्यू इंटू थीटा ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ टी वन के जगह पर टी वन माइनस टी सी, क्योंकि टी टी वन माइनस टी सी इज इक्वल टू टी वन, क्योंकि टी टी वन इज इक्वल टी वन प्लस टी सी, और टी टू के जगह पर टी टी टू माइनस टी सी, ये फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं फिलहाल के लिए। तो ये तो पावर ट्रांसमिटेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का। द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑफ द बेल्ट डज नॉट अफेक्ट द पावर ट्रांसमिशन, ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है जो कि गलत है। नेक्स्ट है, द बेल्टिंग कैन ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर व्हेन, बेल्टिंग जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करता है व्हेन द मैक्सिमम टोटल टेंशन, मैक्सिमम टोटल टेंशन कितना के बराबर होता है, मैक्सिमम टोटल टेंशन कितना के बराबर होता है, तो वो होता है थ्राइस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बराबर होता है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए उसके आगे।
हम ये जानते हैं कि टेंशन इन द टाइट साइड इज इक्वल टू T1, टोटल टेंशन और T2 क्या है, टेंशन इन द स्लैक साइड। T1 और T2 में ग्रेटर कौन होता है, तो टेंशन इन द टाइट साइड, तो मैक्सिमम जो टेंशन है वो T1 तो है, पहला बात तो ये। दूसरा बात कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर हम ऐड कर दें, T1 में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर ऐड कर दें तो जो कुछ भी मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग टोटल टेंशन। T1 प्लस TC इज इक्वल टू T या TT1, ये आप ध्यान रखिएगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, पावर कितना होता है, पावर इज इक्वल T1 माइनस T2 इनटू V। T1 क्या है, टेंशन इन द टाइट साइड, T2 क्या है, टेंशन इन द स्लैक साइड, V भी द वेलोसिटी। हम ये जानते हैं T1 बाई T2 इज इक्वल टू E2 द पावर म्यू थीटा, तो T2 इज इक्वल टू T1 बाई E2 द पावर म्यू थीटा। तो पावर, पावर वाली इक्वेशन में T1 माइनस T2 की जगह पर T1 के फॉर्म में हम इतना पुट कर सकते हैं इनटू V। यहाँ पर जो हमको मिला इसमें ये क्वांटिटी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको हम C बोल दे रहे हैं, और T1 इनटू V जो पावर होगा उसको हम T1 भी C भी बोल सकते हैं। C बी द 1 माइनस 1 बाई E2 द पावर म्यू थीटा। अब ये जो पावर हमको मिला, पावर क्या मिला, पावर हमको ये मिला, दिस इज द पावर। ये पावर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू भी एंड इक्वेट टू जीरो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू भी एंड इक्वेट टू जीरो। टी सी जो है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो भी अभी निकाले हैं हम लोग वो MV² के बराबर आया, MV² इंटू V इंटू C। अब ये जो था वो V पे डिपेंड कर रहा है, V पे फुल्ली डिपेंड कर रहा है, T तो टोटल टेंशन हो गया। तो यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वी, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू वी तो मेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा, उसको इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। तो इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर तो यहाँ से MV² को TC हम जानते हैं, तो T माइनस 3 TC इज इक्वल टू जीरो, तो T इज इक्वल टू 3 TC जब होगा तब वो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांसमिटिंग द मैक्सिमम पावर, T इज इक्वल टू 3 TC। इस कंडीशन को वापस अगर हम यहाँ डाल दें, इस इक्वेशन में डाल दें, तो हमको दे देगा मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट होगा वो। तो कंडीशन मेरे को मिला T इज इक्वल टू 3 TC। अगर आपको कोई आपसे पूछता है कि जब वो मैक्सिमम ट्रांसमिशन के लिए T इज इक्वल टू 3 TC ये आप निकाल चुके, T इज इक्वल टू 3 TC, तो T1 कितना हो जाएगा, T1 टेंशन इन द टाइट साइड, ओनली T1, तो T माइनस TC इज इक्वल टू T1, क्योंकि हम जानते हैं T इज इक्वल टू T1 प्लस TC। तो T1 अगर निकालना हो तो T माइनस TC करेंगे, तो T माइनस TC का वैल्यू T/3 पुट करेंगे, 2T/3 मिलेगा। अगर कोई आपसे ये पूछा कि यहाँ से ही तो हमको मिला है T इज इक्वल टू 3 TC, दिस इज द कंडीशन, यही तो कंडीशन है जो मैक्सिमम पावर हमको देता है, तो इसमें इसमें कोई पूछा कि मैक्सिमम वेलोसिटी या कंडीशन क्या होगा, मतलब वेलोसिटी के टर्म में वो कंडीशन क्या होगा जो मैक्सिमम पावर हमको दे, तो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के केस में वेलोसिटी कितना होता है, तो वेलोसिटी यहाँ से मिलेगा मेरे को T इज इक्वल टू 3 m, T इज इक्वल टू 3 m v स्क्वायर, दैट मीन्स हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू √T/3 m, √T/3 m। और हम ये पहले से जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू होता है mg, अगर g से नीचे और g से ऊपर मल्टीप्लाई हम कर दें तो नीचे हम वेट लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √TG/3 W, mg की जगह वेट 3 W, √TG/3 W वेट के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आगे में कहीं पूछा है। टोटल टेंशन इज इक्वल टू 3 TC। नेक्स्ट है पिचिंग ऑफ शिप प्रोड्यूसेस फोर्सेस ऑन द बियरिंग, पिचिंग जो होता है शिप में, जब पिचिंग होता है तो उसके वजह से फोर्स कहाँ पे लगता है, फोर्स जो लगता है वो कहाँ पे लगेगा। तो गायरोस्कोपिक कपल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं,
थोड़ा सा उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लीजिए, इन केस ऑफ गायरोस्कोपिक इफेक्ट, गायरोस्कोपिक इफेक्ट के केस में द प्लेन ऑफ स्पिन, गायरोस्कोपिक कपल एंड प्लेन ऑफ प्रिसीजन, तीनों जो प्लेन है वो एक दूसरे का मैचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो गायरोस्कोपिक कपल के बारे में हम पहले भी डिस्कस किए हैं, फिर से थोड़ा सा उसको रिकैप्चुलेट हम करते हैं। गायरोस्कोपिक कपल, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज ए डिस्क, मान लीजिए ये डिस्क है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ स्पिन कौन सा हो गया, इसका एक्सिस ऑफ स्पिन ये हो गया। सिमिलरली एक कोई प्लेन है आपके पास, प्लेन का जो रोटर है, रोटर यहाँ पर रोटर लगा हुआ है, रोटर के साथ ये आपका ब्लेड लगा हुआ है, प्रोपेलर ब्लेड जिसको आप कहते हैं, ये भी रोटेट कर रहा है। रोटर जो होता है बियरिंग पे अटैच होता है, यहाँ पर बियरिंग है, ये आपका रोटेट कर रहा है। तो इसका मोशन क्या है, जो मोशन इस डिस्क का है वही मोशन आपका इसका है। तो इसका दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिन, ये आपका एक्सिस ऑफ स्पिन हो गया, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब ये एक्सिस ऑफ स्पिन इसका ये हो गया, तो प्लेन ऑफ स्पिनिंग कौन सा हो गया, तो इस एक्सिस का परपेंडिकुलर जो प्लेन है, ये प्लेन, प्लेन ऑफ स्पिनिंग हो गया। अब कोई भी डिस्क या फिर रोटर रोटेट कर रहा है इन ए पर्टिकुलर एक्सिस, किसी पर्टिकुलर एक्सिस में रोटेट कर रहा है, और उसको रोटेट करते हुए अगर हम इस चीज़ को, इस पूरे डिस्क को रोटेट करते हैं किसी दूसरे प्लेन के अलोंग या किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग, ये जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, इसको हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ये चीज़ पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इस जो प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, जिस हॉरिजेंटल प्लेन में ये चीज़ रोटेट कर रहा है, उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ प्रिसीजन। और प्लेन ऑफ प्रिसीजनल एक्सिस कौन सा, तो दिस इज द एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अभी यहाँ था, कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुँच गया, ये रोटर आपका यहाँ हो गया। तो किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच गया, तो किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो दिस एक्सिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ प्रिसीजन इसको बोलेंगे। और जिस प्लेन, इस प्रिसीजनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ प्रिसीजन, इसको बोलेंगे हम प्लेन ऑफ प्रिसीजन। तो यहाँ पर हम देख चुके थे, ये प्लेन जो है वो आपका प्लेन ऑफ स्पिनिंग, दिस प्लेन जो है प्लेन ऑफ प्रिसीजन, दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग, दिस इज द एक्सिस ऑफ प्रिसीजन। अब ना अगर कोई चीज़ है या कोई प्लेन है या कोई सिप है, सिप जो है, ये मान लीजिए सिप है, सिप में एक रोटर लगा हुआ है, इसको बढ़िया समझ लीजिए, ये अगर रोटेट कर रहा है और रोटेट करते हुए ये पानी में आगे बढ़ रहा है, अचानक क्या आया, इधर से हवा आया, हवा का झोंका आया, इसको ये क्या किया, रोटेट करवा दिया, ये प्लेन ये आपका सिप हो गया, इस तरह से रोटेट हो गया। इस हवा के वजह से, विंड के वजह से ये इस तरह से रोटेट करता है। तो जब ये रोटेट करता है, स्पिनिंग मोशन तो है, और यहाँ प्रिसीजनल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है हॉरिजेंटल प्लेन में। जब ये रोटेट कर रहा है तो एक कपल प्रोड्यूस करेगा ये, और वो जो कपल प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में वो कपल प्रोड्यूस करेगा। तो कपल जो प्रोड्यूस करेगा, वो कपल को हम लोग बोलते हैं गायरोस्कोपिक कपल। तो गायरोस्कोपिक कपल जो होगा वो इन दो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अगर दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग, दिस इज द एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, देन गायरोस्कोपिक एक्सिस ऑफ गायरोस्कोपिक का जो एक्सिस होगा वो आइदर ये होगा या फिर ये होगा। अगर दिस इज द एक्टिव गायरोस्कोपिक एक्सिस ऑफ एक्टिव गायरोस्कोप, दिस इज द एक्सिस ऑफ रिएक्टिव गायरोस्कोप, गायरोस्कोपिक कपल। तो सिचुएशन ये है कि जब कभी भी कोई एक्सिस ऑफ स्पिनिंग के अबाउट रोटेट, एक्सिस ऑफ स्पिनिंग में है, और उस वक्त उसको किसी प्रिसीजनल एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक कपल प्रोड्यूस होगा। वो कपल के वजह से ये, या तो ये जो सिप है या प्लेन है वो आगे की तरफ, ये सिप ये प्लेन है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इस एक्टिव कपल के वजह से एक रिएक्टिव कपल भी जनरेट होगा, और उस रिएक्टिव कपल के वजह से ये आइदर इसका जो नोज़ है वो नीचे की तरफ जाएगा, या टेल है वो ऊपर की तरफ जाएगा,
कुछ भी हो सकता है। तो कब ये नीचे जाता है, कब ये ऊपर जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है इसमें कि जब कोई कोई भी डिस्क है रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग, और तभी हम उसको उसको किसी एक्सिस के अबाउट उस रोट एक्सिस ऑफ स्पिनिंग को रोटेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक कपल प्रोड्यूस होता है, जिस कपल को बोलते हैं हम लोग गायरोस्कोपिक कपल। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए कि दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग। कुछ देर के बाद वो ये पोजीशन ले लेता है। तो इस समय जब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो उस वक्त उसका एंगुलर मोमेंटम क्या था? तो उस वक्त उसका एंगुलर मोमेंटम मान लीजिए आई ओमेगा था। कुछ देर के बाद इस एक्सिस की तरफ गया, तो उस वक्त उसका एंगुलर मोमेंटम क्या था? तो उसको उसमें जो भी था वो आई ओमेगा प्राइम हो गया, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ। तो एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हुआ? तो ये जो ये हम लाइन दिखा रहे हैं, इतना चेंज हुआ। ये दिस इज द एक्टिव कपल, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो हम बात करेंगे वो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन। तो हम ये जानते हैं, अभी देखें ऊपर में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क क्या है, आई ओमेगा है। ठीक, इस डायरेक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम था वो कितना है, आई ओमेगा। इस आई ओमेगा को डी थीटा एंगल से हम रोटेट करवाए, तो कुछ दूसरा एंगुलर मोमेंटम को मिला। जो एंगुलर मोमेंटम मिला वो कितना कितना चेंज हुआ, तो इतना चेंज हुआ। इसको हम कैसे निकालते हैं, तो दिस इज आई ओमेगा इंटू डी थीटा। ये जो भी मिला, जो भी चेंज हुआ वो, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दिस मच, और वो बराबर कितना है, तो वो एक्स एक्स प्राइम, एक्स एक्स प्राइम ये वाला जो चीज़ है वो पहले इतना था डी थीटा से रोटेट किए, तो पहले इतना था, तो कितना था उसका एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जो था ओ एक्स जो था वो आई ओमेगा था। डी थीटा से उसको रोटेट करवाए, तो डी थीटा से रोटेट करवाए इंटू डी थीटा किए, तो ये वाला चीज़ मिल गया हमको। ये क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ही तो टॉर्क बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क या फिर एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। दिस इज एक्स एक्स प्राइम जो है उसको एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना, आई ओमेगा, आई ओमेगा, ओमेगा भी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिनिंग, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी मतलब कि वो रोटेट कर रहा है विद वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, वो जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रिसीजनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा पी। ओमेगा पी द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द वाई एक्सिस। तो ओमेगा पी इज इक्वल डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा पी। तो यहाँ से हमको जो मिला आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी, आई ओमेगा डी थीटा बाई डी टी को हम ओमेगा पी बोले, तो आई ओमेगा ओमेगा पी जो है वो गायरोस्कोपिक कपल हुआ। अब ये गायरोस्कोपिक कपल का जो डायरेक्शन होगा, थोड़ा सा और यहाँ पर नोटिस करने वाला बात यहाँ पर ये है, दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, कुछ देर के बाद ये डायरेक्शन हो गया, तो चेंज कितना हुआ, तो चेंज इतना हुआ। तो एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इस डायरेक्शन में, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इस डायरेक्शन में, तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन ये है, तो इसके वजह से प्लेन आइदर आपका प्लेन का जो नोज होगा वो नीचे जाएगा, या टेल जो होगा वो ऊपर जाएगा। अब वो नीचे कब जाएगा, ऊपर कब जाएगा, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इस एरोप्लेन के एग्जाम्पल में जो भी यहाँ पर देख सीखेंगे वही शिप में भी वही अप्लाई करेंगे हम लोग। फिलहाल के इस केस में हम लोग कह रहे हैं कि ये एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में हम लोग पीछे से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, तो इसका जो रोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एज सीन फ्रॉम द टेल एंड ऑफ द एरोप्लेन। तो यहाँ पर समझने वाला बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो गायरोस्कोपिक कपल है उसका वैल्यू तो हमको पता है, आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी, ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्पिनिंग, ओमेगा पी द एंगुलर प्रिसीजन वेलोसिटी, दिस इज द टेल एंड, दिस इज द टेल एंड या रियर एंड, और दिस इज द नोज, इसका ये नोज है। ये
अगर हम पीछे से देख रहे हो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा ये रोटेट कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है पीछे से देख रहे हैं, तो आगे से देखेंगे तो हमको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए दिखेगा, इसको थोड़ा सोच लीजिएगा बढ़िया से। पीछे से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, आगे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन रोटे चूंकि ये रोटरी मोशन में है तो उसको एक लाइन से एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, दैट मीन वेक्टर क्वांटिटी है, रोटेट तो कर रहा है चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी तरह से रोटेट कर सकता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको हम लीनियर वेलोसिटी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको लीनियर वेलोसिटी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको थोड़ा समझने का जरूरत है। इसको राइट हैंड थंब रूल से हम लोग इसके वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है, पीछे से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आप क्या कीजिए यहाँ से, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में देख रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आप यहाँ से राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ कीजिए। आप अपना अपना जो फिंगर है, फोर फिंगर, अपना जो फिंगर है वो फिंगर को यहाँ से अंदर की तरफ भेजिए और यहाँ से बाहर की तरफ निकालिए, तो आपका थंब जो है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन। तो जैसे ही आप यहाँ से अपने फिंगर को अंदर ले जा रहे हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं, थंब का डायरेक्शन ये हो गया, थंब का डायरेक्शन ये हो गया, दिस इज द डायरेक्शन। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग आप अगर ये मान लीजिए कि आप देख तो रहे हैं यहीं से लेकिन ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब को आप कहाँ से इंटर करवाइएगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है यहाँ से आप अपने फिंगर को अंदर लेके जाइए और यहाँ से बाहर निकालिए, तो आपका इंडिकेट करेगा डायरेक्शन वो ये होगा। फॉर सिंप्लिसिटी और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप इसको आप ऐसा समझिए कि आप इधर से देख रहे हैं, दिस इज द एक्सिस, इधर इस साइड से देख रहे हैं, मतलब दैट मीन निगेटिव सेंस में देख रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस मानते हैं और क्लॉकवाइज को हम निगेटिव मानते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस और क्लॉकवाइज को निगेटिव मानते हैं, ठीक है। हम इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं मतलब इधर से देख रहे हैं, निगेटिव साइड से देख रहे हैं, और ये रोटेट कैसे कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है क्लॉकवाइज, रोटेट भी कर रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज निगेटिव और निगेटिव साइड से देख भी रहे हैं, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो वेक्टर हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर अगर आप ये समझिए कि आप देख रहे हो यहाँ से, आप देख रहे हो यहाँ से और आपको दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है और देख रहे हो निगेटिव से, प्लस माइनस माइनस होता है, दैट मीन जो वेक्टर आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए सबसे पहला कि आप देख रहे थे कहाँ से, आप देख रहे थे प्लेन ये है आपका, आप देख रहे हैं यहाँ से और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका जो ये है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और देख भी रहे हैं आप निगेटिव साइड से, तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन इस एक्सिस में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, प्लेन का जो डायरेक्शन है वो। अब कह रहा है कि वो टेकिंग ए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न ये लिया, लेफ्ट टर्न मतलब अभी इसका डायरेक्शन किधर था, तो अभी इसका डायरेक्शन इधर था, लेफ्ट टर्न का मतलब कुछ देर में प्लेन जो है आपका इस डायरेक्शन में चला गया, लेफ्ट टर्न का मतलब ये प्लेन ही मूव कर दिया, इस प्लेन ऐसे रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में, जैसे ही ये चूंकि इस एक्सिस में ये स्पिनिंग कर रहा था और उसको हम रोटेट करवा दिए वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो प्रिसीजनल एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट जब करवाएंगे तो इसमें कपल लगेगा ही लगेगा, और जो कपल लगेगा वो कपल को हम लोग बोलते हैं गायरोस्कोपिक कपल, जितना गायरोस्कोपिक कपल लगा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल हमको अप्लाई करना होगा उसके बेयरिंग पे, जहाँ पर रोटर रखा हुआ है उस बेयरिंग पे अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल लगाएंगे, तो उसके वजह से प्लेन का आइदर नोज जो है वो नीचे जाएगा और टेल जो है ऊपर जाएगा, या फिर नोज ऊपर जाएगा टेल नीचे जाएगा, वो जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पर हुआ क्या, दिस इज द प्लेन का जो एक्सिस है, जिस वो प्लेन के वेलोसिटी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो है आपका लेफ्ट टर्न लिया है, टेकिंग ए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लिया है, तो दिस इज द
एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन, अगर ये एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन है तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा होगा, और अगर ये रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन और दिस इज द एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन है, तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन ये है, तो इसका एरो एरो के डायरेक्शन अपना थंब रखिए, एरो के डायरेक्शन में अपना थंब अप रखिए और अपना राइट हैंड को स्क्वीज कीजिए, यहाँ से फिंगर को नीचे भेजिए और यहाँ से फिंगर को बाहर निकालिए, तो फिंगर नीचे जाएगा मतलब ये पोर्शन जो है वो आपका पीछे वाला पोर्शन है वो आपका नीचे जाएगा, डिप द टेल एंड रेज द नोज, नोज आपका ऊपर की तरफ आएगा, मतलब यहाँ से आप फिंगर नीचे की तरफ ढकेलिएगा तो मतलब पीछे वाला पोर्शन जो है आपको अंदर ढकेल रहे हो, यहाँ से आप बाहर निकाल रहे हो अपना फिंगर को, अपन अपना थंब को आप इस डायरेक्शन में रखिएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। नाउ सेम सिचुएशन है, आप पीछे से प्लेन को पीछे से देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो और वो क्या कर रहा है, व्हेन द एरोप्लेन टेकिंग राइट टर्न, टेकिंग ए राइट टर्न, वो राइट टर्न ले रहा है, तो प्लेन का डायरेक्शन ये है और टर्न लिया है राइट, तो दिस इज द एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन, तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन ये हो गया। आप थंब को इसी डायरेक्शन में रखिए, थंब अपना इस डायरेक्शन में रखिए, थंब को आप इस डायरेक्शन में रखिएगा तो आप फिंगर यहाँ से अंदर की तरफ भेजिएगा और यहाँ से आप फिंगर बाहर निकालिएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन आपका अंदर जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका बाहर आएगा, ऊपर उठेगा, मतलब ये जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ आएगा और ये पोर्शन आपका ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मीन कह सकते हैं कि नोज जो है वो डिप एंड रेज द टेल, टेल ऊपर की तरफ आएगा। नेक्स्ट केस नंबर टू, व्हेन द इंजन ऑफ द प्रोपेलर रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड वी हम लोग देख कहाँ से रहे हैं, रियर या टेल एंड से देख रहे हैं, ये आपका इंजन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ निगेटिव साइड से देख रहे हैं, दैट दिस मीन दिस इज द एक्सिस, हम निगेटिव साइड से देख रहे हैं और ये रोटेट कैसे कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम प्लस का बात किए थे प्लस और दिस इज द माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो हम डायरेक्शन कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दिस इज द प्लेन का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, हम दो नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्लेन। अब कह रहा है टेकिंग ए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न का मतलब ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ये है, तब लेफ्ट टर्न मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न आप लिए तो दिस इज द एक्टिव कपल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिव कपल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्टिव कपल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टिव कपल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टिव कपल, अगर अगर ये रिएक्टिव कपल का डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपना फिंगर को यहाँ से अंदर की तरफ भेजिए और यहाँ से आप बाहर निकालिएगा, क्योंकि थंब को आपको इधर रखना है, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है, तो थंब को इस डायरेक्शन में रखना है आपको, अपना फिंगर को यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाना है और यहाँ से बाहर निकालना है, रैप करके करते हुए इस एरो को बाहर आना, तो दिखेगा क्या कि ये वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो नीचे जाएगा और ये पोर्शन जो है ऊपर आएगा, कहने का मतलब ये यहाँ पर है कि नोज़ जो है इस इधर जो होता है वो नोज़ होता है, इधर जो होता है वो आपका टेल होता है, तो नोज जो होता है डिप नोज होगा और आपका रेज द टेल होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर थ्री, व्हेन द एरोप्लेन टेक्स राइट टर्न, अभी हम ये एरोप्लेन का मोशन, टेक्स राइट टर्न, राइट टर्न का मतलब ये, तो दिस इज द एक्टिव कपल, दिस इज द रिएक्टिव कपल, अगर ये रिएक्टिव कपल है थंब को आप रखिए इस डायरेक्शन में, थंब को इस डायरेक्शन में रखिएगा तो यहाँ से आप फिंगर को नीचे की तरफ लेके जाइएगा, दैट मीन्स ये पोर्शन आपका नीचे जाएगा और ये पोर्शन से आप ऊपर आके तरफ आइएगा, दैट मीन्स आप ये जो टेल जो है वो डिप होगा और आपका नोज जो होगा राइज होगा, राइज द नोज एंड डिप द टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फोर नंबर बात बोलता है, इफ द इंजन और प्रोपेलर रोटेट्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इंजन हो या प्रोपेलर हो रोटेट्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड व्यू फ्रॉम द फ्रंट, अब देख भी किधर से रहे हैं, फ्रंट से, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फ्रंट से, फ्रंट मतलब कि हम यहाँ एक्सिस इस तरह से कंसिडर किए हैं, फ्रंट का मतलब होता है पॉजिटिव और ये रोटेट जो कर रहा है वो कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मीन्स होता है निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, निगेटिव, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्शन हो गया मेरा वो डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। अब कह रहा है कि टेकिंग लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न का मतलब इसका लेफ्ट टर्न का मतलब ये, दिस इज द लेफ्ट टर्न एंड देन द इफेक्ट ऑफ द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल विल बी, अब तो दिस इज द एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल और दिस इज द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल,
अगर ये रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का है, दैट मीन्स की वजह से यहाँ से फिंगर को अंदर लेके जाएंगे, यहाँ से फिंगर को बाहर निकाल के आएंगे, थंब मेरा इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा राइट हैंड का, तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन मेरा नीचे की तरफ जाएगा और ये पोर्शन मेरा ऊपर आएगा, मतलब तो नोज जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, डिप द नोज एंड रेज द टेल। नेक्स्ट है व्हेन द एरोप्लेन टेक्स अ राइट टर्न, सिमिलर सिमिलर थिंग था अभी जो बनाया था उसी का राइट टर्न। राइट टर्न में दिस इज द एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन, तो दिस इज द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन और दिस इज द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। दैट मीन्स कि इसका मतलब कि आप फिंगर को यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाइए, नीचे की तरफ लेके जाइएगा, दैट मीन्स ये पोर्शन जो है पीछे वाला पोर्शन वो नीचे जाएगा, डिप द टेल एंड रेज द नोज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अगर हम नावल सिप का बात करें तो सिप के केस में ये आगे वाला जो पोर्शन होता है सिप का उसको हम बोलते हैं बो या फोर एंड, बो बोलते हैं या स्टर्न बोलते हैं, पीछे वाले को स्टर्न बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले को पोर्ट बोलते हैं, राइट साइड वाले को बोलते हैं स्टार बोर्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर स्टीयरिंग एक्शन या फिर पिचिंग एक्शन या फिर रोलिंग एक्शन का बात हो तो उसमें आपको किधर मोड़ना है सिप को, पोर्ट के डायरेक्शन में या स्टार बोर्ड के डायरेक्शन में, फोर एंड और रेयर एंड, फोर एंड को बो भी बोलते हैं, रेयर को स्टर्न भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और ये जो प्रोपेलर जहाँ पर माउंटेड होता है, प्रोपेलर रोटर जहाँ माउंटेड होता है वो बियरिंग होता है, और बियरिंग जो होता है वो बियरिंग पे कैसा रिएक्शन लगता है वो पूछा गया आपसे। तो हम पिचिंग के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि क्वेश्चन पिचिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो पिचिंग होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि दिस इज एक बोट है, एक बोट है मेरा ये, फॉर द टाइम बींग हम मान लिए एक बोट, दिस इज द बोट मेरा ये है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ स्पिन, और दिस एक्सिस को बोलते हैं प्रिसीजनल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर ये जो चीज है, ये जो बोट है वो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करे, मतलब इधर आए इधर आए, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करते उसको बोलते हैं रोलिंग, इस एक्सिस के अबाउट ये अगर रोटेट करे तो उसको बोलते हैं पिचिंग। वर्टिकल एक्सिस तो हम दिखाए ही नहीं, वर्टिकल एक्सिस मतलब ये वर्टिकल एक्सिस मतलब जेड एक्सिस, मतलब यहाँ पर अगर बात करें हम तो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं, एक प्लेन बात कर रहा है, एक हॉरिजेंटल प्लेन में एक एक्सिस ये है, हॉरिजेंटल प्लेन में ही ये दूसरा एक्सिस है, इस एक्सिस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और तीसरा जो है अलॉन्ग द जेड एक्सिस परपेंडिकुलर वो आपका दूसरा है। दैट मीन्स ये जो है इस एक्सिस के अबाउट, इट ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ये ऊपर नीचे जब स्पिनिंग करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पिचिंग, इसको बोलते हैं हम लोग पिचिंग। आप इतना समझिए कि ये दिस इज द, ये मेरा आपका बोट है, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से, दिस इज द बोट, ये मेरा बोट है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये टर्न होता है इस तरह से तो इसको बोलते हैं रोलिंग, और इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे 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 ऑक्सीलेट करता है जिसको बोलते हैं पिचिंग। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इस एक्सिस के अबाउट जब ये रोल करेगा इस डायरेक्शन में तो इसको बोलते हैं पिचिंग, और इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे 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 रोल करेगा जिसको बोलते हैं रोलिंग। तो रोलिंग, हम यहाँ पिचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जब पिचिंग होगा, पिचिंग इज द मूवमेंट ऑफ कंप्लीट शिप अप एंड डाउन इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, किस प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन में, ये ऊपर नीचे आएगा, अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस के केस में, ट्रांसवर्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, द पिचिंग ऑफ द शिप इज एज्यूम टू टेक्स प्लेस इन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, पिचिंग जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। ये जो मैक्सिमम मैक्सिमम ऊपर की तरफ ऑक्सीलेट जो करेगा वो फाई बोल देंगे, उसको बोलेंगे फाई, मैक्सिमम जितना ऑक्सीलेट करेगा उसको बोलते हैं फाई, एम्पलीट्यूड फाई।
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आप इस शिप से अच्छे से समझ सकते हैं, ये शिप का फिगर दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं दिस इज द एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, सॉरी इस एक्सिस के अबाउट ये रोल करेगा, ऐसे ऐसे रोल इसको रोल करेगा, जिसको बोलते हैं रोलिंग। ये एक्सिस जो है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। इस एक्सिस के अबाउट ये ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करेगा ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग पिचिंग। और ये वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, जेड एक्सिस को कह रहे हैं। तो मतलब जब ये पिचिंग करेगा, तो पिचिंग जब ये कर रहा है तो ये कौन से प्लेन में कर रहा है, तो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है। ये वर्टिकल प्लेन अगर आपका है तो वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट कर रहा है। नाउ थीटा जो रोटेशन हुआ है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो थीटा इज इक्वल फाइव साइन ओमेगा टी, फाइव विद एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, फाइव क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ स्विंग, स्विंग का जो एम्पलीट्यूड है जो मैक्सिमम एंगल टर्न बाय द मीन पोजिशन इन रेडियम, ओमेगा वन क्या है एंगुलर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन। तो ओमेगा जो होता है वो टू पाई बटा में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ पिचिंग जो है वो टीपी है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टू पाई, टू पाई अपॉन टाइम पीरियड जो भी होगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी और प्रिसीजनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गायरोस्कोपिक कपल निकालने के लिए क्या करते क्या है आई इंटू ओमेगा पी करते हैं। ये जो है एंगुलर वेलोसिटी आपको पता चल गया ओमेगा वन, ओमेगा प्रिसीजनल वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि वो अगर बोट ऐसा था तो वो रोटेट कर रहा था डी थीटा, टाइम टी में डिस्प्लेस हुआ था थीटा, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको फाइव बोले थे हम लोग। तो ओमेगा पी जो मिला डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी थीटा हमको अभी पता चला दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा, ये थीटा, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन दिस इज द ओमेगा पी, ओमेगा पी। तो ओमेगा पी मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम जो होगा वो फाइव इंटू ओमेगा वन, फाइव इंटू ओमेगा वन वो आपका मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा वन का वैल्यू हम ऑलरेडी टू टू पाई बाई टी पी लिख चुके हैं। तो ओमेगा पी मैक्सिमम, मैक्सिमम कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू वन, जब ये कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू वन हो जाएगा तो फाइव ओमेगा वन जो होगा वो ओमेगा पी मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो फाइव इंटू ओमेगा वन, क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है वन से लेकर माइनस वन के बीच लाई करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू वन। तो गायरोस्कोपिक कपल कितना आई इंटू ओमेगा पी मैक्स, वेन द पिचिंग इज अपवर्ड द इफेक्ट ऑफ द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल सोन इन द फिगर 14.10 का बी will try to move ship towards starboard, and on the other hand if the pitching is downward the effect of the reactive gyroscopic couple shown in the figure 10.10c turn the ship upward up towards the port side, left turn mein pitching downward ke kidhar hoga, to left turn mein port side that means left turn, or starboard that means right turn, राइट टर्न लेफ्ट टर्न सेम जो हम एरोप्लेन के केस में देखे थे उसी तरह से पिचिंग डाउनवर्ड का होगा, मतलब पिचिंग डाउनवर्ड कहने का मतलब आगे का पोर्शन नीचे की तरफ जाएगा और पीछे का पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा, तो पिचिंग इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। फिर आपका क्या हो जाएगा, कभी पिचिंग अपवर्ड दैट ऊपर आगे का पोर्शन अपवर्ड और पीछे का पोर्शन डाउनवर्ड। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है द पिचिंग ऑफ सी प्रोड्यूस फोर्सेस ऑन द बियरिंग, बियरिंग में जो फोर्स लगता है एक्ट हॉरिजेंटली एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द शिप। पिचिंग जो होगा, पिचिंग ऑफ द शिप प्रोड्यूसेस फोर्सेस ऑन द बियरिंग, बियरिंग में जो फोर्स लगेगा, जो रिएक्टिव कपल का जो फोर्स लगेगा वो एक्ट हॉरिजेंटली एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द शिप। शिप का मोशन इधर है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हॉरिजेंटली बियरिंग पे फोर्स लगेगा। ये आपका रोटर है, तो रोटर जहाँ पे माउंटेड है, रोटर का यहाँ माउंटेड है, तो रोटर इसके मोशन के डायरेक्शन में ही परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ द शिप, एक्ट हॉरिजेंटली परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ द शिप, शिप के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पिचिंग के केस में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग पिचिंग, पिचिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अल्फा बी द एंगुलर एक्सेलरेशन डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, थीटा तो अभी पता चल गया हमको, थीटा ऊपर में फाइव साइन ओमेगा टी, तो फाइव साइन ओमेगा डबल डिफरेंशिएट करेंगे जो भी मिलेगा उसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन।
ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी 1 होगा तब ये मैक्सिमम होगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन मैक्सिमम दिस मच। तो सिचुएशन मेरे पास यहाँ पर ये है, पिचिंग अपवर्ड, तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल आपका ये, और रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल ये, दैट मीन्स आप अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखिए और फिंगर को आप यहाँ से इंजेक्ट किए नीचे की तरफ और यहाँ से बाहर निकालिए, दैट मीन्स पीछे का पोर्शन नीचे जाएगा और आगे का पोर्शन ऊपर आएगा। पिचिंग इसको बोलते हैं अपवर्ड, आगे का पोर्शन नोज जो है ऊपर जाएगा और टेल जो आपका नीचे जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पिचिंग अपवर्ड। नोज ऊपर जाएगा तो अपवर्ड बोलेंगे, नोज नीचे जाएगा दैट मीन्स हम कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए दिस इज द एक्टिव कपल और दिस इज द रिएक्टिव कपल, ये रिएक्टिव कपल है और ये रिएक्टिव कपल है, दैट मीन्स थंब को हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, थंब अपना इस डायरेक्शन में रखेंगे, दैट मीन्स हम अपना फिंगर को यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, फिंगर यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, दैट मीन्स वो नोज को नीचे की तरफ डिप करेगा, तो इसको बोलते हैं पिचिंग डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिचिंग ऑफ शिप प्रोड्यूस फोर्सेस ऑन द बियरिंग, बियरिंग पे कहाँ फोर्स लगाता है, विच एक्ट्स हॉरिजेंटली परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ द शिप, जबकि इसमें ऑप्शन कुछ आंसर में कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ गायरोस्कोपिक इफेक्ट, गायरोस्कोपिक इफेक्ट के केस में द प्लेन ऑफ स्पिनिंग, गायरोस्कोपिक कपल एंड प्रिसीजनल प्लेन ऑफ प्रिसीजन तीनों एक दूसरे का मैचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी हम देख चुके, तीनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट है रोलिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। गायरोस्कोपिक कपल में एक बात ध्यान रखना है हमको कि इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल टू ऑकर, गायरोस्कोपिक कपल तभी ऑकर होगा जब एक्सिस ऑफ प्रिसीजन शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ स्पिनिंग, एक्सिस ऑफ प्रिसीजनल और एक्सिस ऑफ स्पिनिंग दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तभी गायरोस्कोपिक कपल डेवलप होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग, दिस इज द एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, देन गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन ये, दिस इज डायरेक्शन ऑफ गायरोस्कोपिक कपल, दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग मतलब कि स्पिनिंग मोशन का डायरेक्शन, दिस इज द प्रिसीजनल मोशन का डायरेक्शन, प्रिसीजन मोशन मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है एक्सिस ऑफ, दिस इज द प्रिसीजनल एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग, दैट मीन्स ये यहाँ पर जो कपल प्रोड्यूस होगा वो ये, कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि यदि एक्सिस ऑफ स्पिनिंग और एक्सिस ऑफ प्रिसीजनल दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री हो तभी गायरोस्कोपिक कपल प्रोड्यूस होगा, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे का पैरल हो तब एक्सिस ऑफ स्पिनिंग भी यही और एक्सिस ऑफ प्रिसीजनल भी यही, दोनों एक दूसरे का पैरल हो तो गायरोस्कोपिक कपल प्रोड्यूस नहीं होगा। रोलिंग में क्या, रोलिंग को अगर गौर से हम देखें तो रोलिंग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस किए थे अभी, रोलिंग के केस में यहाँ पर दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग, इसके अबाउट रोटर जो है रोटेट कर रहा है पहले से, और हम रोलिंग पढ़े क्या, अभी पढ़े कि इस एक्सिस के अबाउट जब ये चीज़ रोल करता है ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में रोटेट करता है तो इसको बोलते हैं रोलिंग, तो रोलिंग का जो जो एक्सिस है वो भी यही और स्पिनिंग का जो एक्सिस है वो भी यही, तो जब रोलिंग का एक्सिस और स्पिनिंग का एक्सिस दोनों सेम हो तो उस वक्त गायरोस्कोपिक कपल प्रोड्यूस नहीं होता है, तो रोलिंग के केस में गायरोस्कोपिक कपल प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इफ हाउएवर द एक्सिस ऑफ प्रिसीजन बिकम्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ द शिप, इन केस ऑफ रोलिंग ऑफ शिप द एक्सिस ऑफ प्रिसीजन इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग फॉर ऑल पोजिशन, हेंस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ द शिप, कोई गायरोस्कोपिक कपल डेवलप नहीं होगा इन केस ऑफ रोलिंग। स्टीयरिंग मतलब कि इसको हम लेफ्ट टर्न लेके जाएं या राइट टर्न लेके जाएं, ये आपका शिप, इसको स्टर्न बोलते हैं, इसको पोर्ट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार पोर्ट बोलते हैं, इसको बो बोलते हैं आगे वाले पोर्शन को। अब ये रोटर है, ये रोटेट कर रहा है आपका, दिस इज एक्सिस ऑफ स्पिनिंग, इस ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ये अगर रोटेट करता है तो उसको ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है तो उसको प्रिसीजनल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन बोलेंगे,
दिस इज द एक्सिस ऑफ प्रिसीजन। तो उस वक्त अगर ये लेफ्ट टर्न ले या राइट टर्न ले, तो रिएक्टिव कपल के वजह से आइधर आगे का पोर्शन नीचे जाएगा या पीछे का पोर्शन नीचे जाएगा, या आगे का पोर्शन ऊपर जाएगा या पीछे का पोर्शन नीचे आएगा, वो अभी जैसा ही एरोप्लेन के केस में बताया थे बस वैसा ही इसमें भी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग पीछे से देख रहे हैं, इसको किधर से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, और ये रोटेट कर रहा है, उसका रोटर जो है रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। अब पीछे से देख रहे हैं मतलब नेगेटिव साइड से देख रहे हैं और रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कोई नेगेटिव माने, नेगेटिव नेगेटिव हम दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया, दैट मीन पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द शिप, शिप का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हम टेकिंग लेफ्ट टर्न लिया, दैट मीन दिस इज द लेफ्ट टर्न। अब ऐसा करने के लिए दिस इज द एक्टिव कपल, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल भी ऐसा हुआ तो एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल डेवलप हुआ, और इस एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल के अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल डेवलप हुआ। अभी रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल की वजह से क्या होगा, तो आप यहाँ से फिंगर को नीचे की तरफ लेके जाओगे, दैट मीन्स ये पोर्शन नीचे जाएगा और ये पोर्शन ऊपर आएगा, मतलब कि स्टर्न जो है वो लोअर होगा और बो जो होगा राइट वो ऊपर होगा। अब बाकी सारा केस भी हम पहले डिस्कस किए एरोप्लेन केस में, बस वैसा ही है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर के देख लीजिएगा। राइट टर्न लेगा तो क्या होगा, दिस इज द एक्टिव कपल, तो दिस इज द रिएक्टिव कपल, इसको आप देख लीजिएगा सेम है उसके जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन यूनिटी वेलोसिटी रेशियो एट एवरी इंस्टेंट इन डबल हुक ज्वाइंट। डबल हुक ज्वाइंट में इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन यूनिटी वेलोसिटी रेशियो एट एवरी इंस्टेंट, कब पॉसिबल होगा यूनिटी वेलोसिटी रेशियो कब? तो हुक ज्वाइंट के केस में जो वेलोसिटी रेशियो होता है उसका फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द वेलोसिटी रेशियो इन केस ऑफ हुक ज्वाइंट। ये कभी मैक्सिमम होता है कभी मिनिमम होता है, ये जो वेलोसिटी रेशियो कभी मैक्सिमम और कभी मिनिमम, ये यूनिटी इसको करने के लिए, इसको यूनिटी करने के लिए हम लोग डबल हुक ज्वाइंट यूज़ करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन शाफ्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट, वैरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू। ये वैल्यू हम दिखाए ओमेगा वन बाई ओमेगा टू का, या ओमेगा बाई ओमेगा वन का जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, वो मैक्सिमम से मिनिमम तक वो वैरी करते रहता है। इन ऑर्डर टू हैव द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रेशियो ऑफ द ड्रिवन ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट एंड इंटरमीडिएट शाफ्ट विद हुक ज्वाइंट एट ईच एंड शोन इन द फिगर इज नोन एज डबल हुक ज्वाइंट। डबल हुक ज्वाइंट यूज़ करते हैं बीच में, तो ये आपके इंटरमीडिएट सेफ्ट, ये सेफ्ट और ये सेफ्ट के बीच डबल हुक ज्वाइंट यूज़ करते हैं। ड्राइविंग एंड ड्रिवन सेफ्ट इज कॉन्स्टेंट, इन अदर वर्ड्स द ज्वाइंट गिव्स द वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू वन। ये जो ज्वाइंट है वो हमको वेलोसिटी रेशियो वन देगा, कब? जब एक्सिस ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन सेफ्ट आर इन द सेम प्लेन, एक्सिस ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन आर इन द सेम प्लेन, जो एक्सिस इसका है और इसका है दोनों सेम प्लेन में होगा, तभी यूनिटी वेलोसिटी रेशियो हमको मिलेगा यहाँ से। एंड द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट मेक इक्वल एंगल विद द इंटरमीडिएट शाफ्ट, इंटरमीडिएट शाफ्ट के साथ कुछ एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा, वो अल्फा होगा, तब ये हमको यूनिटी वेलोसिटी रेशियो देगा। तो आपको सिर्फ इतने इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द यूनिटी वेलोसिटी रेशियो एट एवरी इंस्टेंट इन डबल हुक ज्वाइंट इफ द एक्सिस ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट आर इन द सेम प्लेन। पहला बात तो ये, इंटरमीडिएट शाफ्ट मेक इक्वल एंगल विद द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट, ये भी सेम, दैट मीन ऑप्शन ए एंड सी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द कॉन्टेक्ट सर्फेस ऑफ द सिंगल प्लेट इज यूजली लाइन विद लेदर और कॉर्क। सिंगल प्लेट क्लच में जो लाइनिंग होता है वो लेदर का होता है या क्रॉक का होता है, कॉर्क का होता है, वो ऐसा क्यों होता है? दिस इज इंक्रीज द पावर ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिटेड दैट मीन टॉर्क ट्रांसमिटेड, टॉर्क ट्रांसमिटेड को इंक्रीज कर देता है कॉर्क अगर यूज करेंगे तो।
स्लिपेज तो तब भी होगा अगर टॉर्क जो है वो एक्सीड कर जाता है बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल, देन द चांसेस ऑफ स्लिपेज टू ऑकर, स्लिपेज होगा। हाई लेदर और कॉर्क जो है हाई टेम्परेचर पे विथ स्टैंड हो सकता है, हाई हाई टेम्परेचर पे वॉर नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे अपने आप को विथ स्टैंड कर सकता है, वो रख सकता है। फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज नहीं होता है, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। लेदर या कॉर्क यूज़ करेंगे तो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन टॉर्क इंक्रीज होता है। कॉर्क की यूज एज एन इंसर्ट द सम अदर मटेरियल, द सरफेस कवर्ड ऑफ द कॉर्क इंसर्ट इज 10 to 14% ऑफ टोटल एरिया ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग बिकॉज ऑफ हायर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इसका बहुत ज़्यादा होता है। कॉर्क इंक्रीजेज द टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द क्लच, क्लच के टॉर्क कैपेसिटी को कॉर्क इंक्रीज कर देता है। और हम चाहे एस्बेस्टर यूज़ करें, वुड यूज़ करें, लेदर यूज़ करें, कोई भी, तो उसमें कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन आपका इंक्रीज होता है, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन आपका इंक्रीज होता है उस पर्टिकुलर केस में। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज बाय यूजिंग द कॉर्क और लेदर एज ए फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। नेक्स्ट है, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज गिवन बाय, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज गिवन बाय, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अभी अभी हम लोग निकला था टी बाई 3 m। अगर हम जी और जी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स टी जी बाई 3 w, w की जगह पर एम जी, डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट। जैसे मास यहाँ पर स्टडी किए थे, मास भी इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट। मास जो है, मास यूनिट लेंथ के लिए जो मास है वो आपका एम है। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट इज मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब टी इज इक्वल टू 3 TC होगा तो पावर मैक्सिमम ट्रांसमिट होगा, ये हम देख चुके हैं अभी भी। नेक्स्ट, इनिशियल टेंशन इन बेल्ट व्हेन स्टेशनरी, जब इनिशियल टेंशन इन बेल्ट जब वो स्टेशनरी होता है तो इनिशियल टेंशन इज इक्वल टू T1 + T2 / 2 के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन इन बेल्ट, सपोज कीजिए एक बेल्ट ड्राइव है, यहाँ पर जो बेल्ट में इनिशियल जो टेंशन है वो टेंशन को हम T0 बोल रहे हैं, T0 भी द इनिशियल टेंशन, इसका वैल्यू मान लीजिए अब 5 है। अब जब ये बेल्ट रन नहीं कर रहा था, मतलब ये एक दूसरे, आप सपोज कीजिए ये एक पुली है, ये एक पुली है, अभी रन नहीं कर रहा है, इसमें बेल्ट इस तरह से रैप किया हुआ है, तो इन दोनों को टाइट किए होंगे तो कुछ ना कुछ तो टेंशन इसके अंदर हो गया होगा, जो भी टेंशन इसके अंदर हो गया होगा उसको हम इनिशियल टेंशन T0 बोल रहे हैं। जब ये स्टार्ट हुआ, जब ये मोशन ट्रांसफर करना शुरू किया, तो उस वक्त जो यहाँ का टेंशन है, टेंशन इन द टाइट साइड इज T1 एंड टेंशन इन द स्लैक साइड इज इक्वल टू T2, तो T0 से चेंज होकर T1 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, तो चूंकि T0 से बढ़ करके T1 हुआ है तो कितना बढ़ा है, तो T1 - T0 इतना बढ़ा है। तो यहाँ पर अल्फा एक टर्म है जिसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ इंक्रीज ऑफ बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स, यूनिट फोर्स में जो कोफिशियंट है इंक्रीज, कोफिशियंट ऑफ इंक्रीज ऑफ बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स जो है अल्फा है। फोर्स कितना चेंज हो रहा है, तो फोर्स जो चेंज हो रहा है वो T1 - T0, देन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बेल्ट, लेंथ कितना चेंज होगा, तो अल्फा इंटू T1 - T0। सिमिलरली पहले जब टेंशन था वो T0 था, दूसरे साइड जो है वो घट करके क्या हो गया, घट करके आपका T2 हो गया, तो घटा है तो T0 - T2 हो गया था, पहले था T0 बढ़ करके T1 हो गया, तो इधर चेंज कितना हुआ, तो T1 - T0, यहाँ T1 - T0 और यहाँ T0 - T2, क्योंकि T2 विद लोअर दैन द T0,
एंड चेंज इतना, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन लेंथ ऑफ द बेल्ट इन द स्लैक साइड, तो स्लैक साइड में इतना लेंथ चेंज हुआ, टाइट साइड में इतना लेंथ चेंज हुआ, और हम ये मान के चलते हैं कि बेल्ट जो है परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, जितना एक तरफ बढ़ा होगा उतना ही दूसरी तरफ घटा होगा। हम ये मान के कि बेल्ट मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक, सो इंक्रीज ऑफ द बेल्ट लेंथ इन वन साइड इज इक्वल टू डिक्रीज इन बेल्ट लेंथ ऑफ द अदर साइड, तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जितना लेंथ यहाँ राइज हुआ उतना ही लेंथ यहाँ घटा होगा। तो यहाँ से टी जीरो इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू बाई टू, टी वन प्लस टी टू बाई टू हमको यहाँ से मिला। अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर करते हैं तो इनिशियल टेंशन जो होगा वो टी वन प्लस टी टू प्लस टू सी अपॉन टू होगा। टी सी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर करोगे तो ये है, और नहीं करना है तो दिस इज द इनिशियल टेंशन। तो इनिशियल टेंशन क्या मिला आपको, टी वन प्लस टी टू अपॉन टू।